तो कैसे आप लोग गाइस, आज हमारे साथ इंस्टाग्राम के एक ऐसे कपल हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वायरल हैं और उनकी वीडियोस हमेशा वायरल जाती है। जी हाँ, तो आइए आज उनके साथ बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं और तो और उनके बारे में बात करते हैं कि वो लोग कैसे कपल हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों की, आप इन्हें जानते होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिंसिनेटी। चलिए शुरू करते हैं अपना इंट्रो दे दीजिए। तो इंट्रो मतलब अपना नाम क्या था, वही क्वेश्चन है मेरा कि पहले इंट्रो दीजिए आप। मेरा नाम जो भी है मैं ये करती हूँ या बस हो गया अपने मेरा नाम और इतने मेरे फॉलोअर्स हैं। तो मेरा नाम रज्जू कुशवाहा है, मैं इंस्टाग्राम पे 156 के फॉलोवर्स हैं। क्यों है? क्यों है? बिकॉज मैं वीडियोस बनाती हूँ। क्या कंटेंट है तुम्हारा? फनी वीडियोस रहते हैं। फनी वीडियोस और डायलॉग वाले भी रहते हैं। एक टाइम पे डायलॉग वाले थे और इस टाइम पे तो फनी भी बनाती हूँ। किसी को कैसे बताओ कि आपका कंटेंट क्या है? कि आपके मैंने देखा है, स्टॉक किया है, बहुत सारा अलग अलग कंटेंट है। कभी उनके साथ है रिलेशनशिप वाला, कभी फनी कंटेंट है, कभी ट्रेंडिंग टॉपिक पर है, कभी कुछ भी है, कुछ भी मन कर रहा है डाले जा रहे हैं। तो मेन बेसिक कंटेंट क्या है? फनी वीडियोस बघेली में और कपल वाले भी, मतलब पहले तो मैं कपल वाले ही बनाती थी और अभी भी मुझे कपल वाले ही अच्छे लगते हैं, बट बघेली में मैं जो बनाती हूँ तो फॉलोवर्स मेरे उसी की वजह से ज्यादा। क्या चीज मोटिवेट करती है वीडियो बनाने में? ऐसे सुबह उठे वीडियो बना दिए, मतलब कुछ तो आता होगी, चलो वीडियो बनाए। मोटिवेट क्या करता है? मतलब लगता है कि खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये ठीक है। आप भाई साहब, आप क्या करते हैं? आप अपने बारे में बताओ। मैं बीकॉम सीएस के अंदर नीनी के साथ पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा फाइनल है। एक साल बड़े हैं। हाँ, नाम रवि कुशवाहा। सेम रच्चू रवि। बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारा नाम, मतलब मेरा नाम रच्चू रवि है। जैसे मेरा बर्थडे, इनका बर्थडे था तो कुछ काफी लोग स्टोरी लगा रहे थे हैप्पी बर्थडे रच्चू रवि, बर्थडे इसका था, विश मुझे आ रहे थे। बढ़िया, क्या चाहिए? परफेक्ट कपल हो? किस टाइप के पर्सन हो आप? या तो स्थाई हो, सीरियस हो, गुस्सैल हो, मूडी हो, क्या किस टाइप के हो? सिचुएशन देखकर बदलते हो कि मतलब हमेशा हैप्पी रहने वाले? वैसे ज्यादा मैं कूल ही रहती हूँ, मतलब मुझे गुस्सा वगैरह बहुत ज्यादा नहीं आता है। दोनों में तो मतलब शांत कौन रहता है ज्यादा तक? क्या दोनों जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से? दोनों जाते हैं। रिच्चू रिवाड़ी के नाम का चुना? रिच्चू रिवाड़ी। पहले तो रज्जू लीवा नाम से मेरी इंस्टाग्राम की आईडी थी, फिर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने नाम के आगे लीवा लगाए थे, तो मुझे लगा कि अपना यूजर नेम कुछ यूनिक रखना चाहिए, तो फिर मैंने रिवाड़ी में कब स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम? 4 साल पहले। 4 साल पहले? उसके पहले? पहले लॉकडाउन 3 साल पहले लगा था। और मतलब 4 साल पहले स्टार्ट किया, शुरुआत से ही तो न मिल गया होगा ना? नहीं, कि पहले दिन वीडियो डाले और वायरल? नहीं, वीडियोस तो मैं डालती थी बट वायरल नहीं होते थे। फिर कहाँ से वो पॉइंट मिला कि वीडियो वायरल होने लगी? क्या ऐसा डाल दिया कि अच्छा, मतलब खुशी हो गई, 100 लाइक, 200 लाइक, 500 लाइक? वो वाला मूव कब था, वो वाला दिन कब था? अच्छा, तो 2.5 महीने पहले से। 2.5 महीने पहले से? हाँ, 3 महीने पहले से मैंने 1.5 लाख फॉलोवर्स, मतलब पहली वीडियो कब वायरल हुई? फर्स्ट वीडियो मेरी यही वाली हुई थी, बघेली में मैंने जो बनाया था, टीआरएस कॉलेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। हाँ। तो वो वीडियो मेरी वायरल हुई थी, मतलब मिलियंस में व्यूज गए थे उसमें। फिर उसके बाद तो 10-10, मतलब उस वीडियो में 10 मिलियन प्लस भी व्यूज गए। कुछ कीवर्ड यूज करती हैं, एल्गोरिथम यूज करती हैं, क्या यूज करती हैं कि वायरल हो जाती है? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा फ्री माइंड होके सोचना पड़ता है कि कंटेंट के लिए। हाँ, कि कुछ नया करे, कुछ हटके करे, जैसा सब लोग वीडियोस बनाते हैं वैसा ना करे, कुछ अलग करे। तो अगर ऐसे 10 वीडियो के लिए सोचते हैं तो एक तो वायरल हो ही जाती है। ये तो जैसे सबकी तो वायरल नहीं होती ना, सबकी नहीं होती है क्योंकि बहुत लोग मेरे कंटेंट बना। हाँ, मैं, मेरी भी तो पहले वायरल नहीं होती थी, मैं 4 साल से वीडियो बना रही हूँ, 4 साल से नहीं, मैं उसके पहले भी बनाती थी टिकटॉक में, तो वहाँ
45,000 तक वहाँ पे फॉलोअर्स थे। साथी लगी थी पहले की, वो तो बैन हो गया। हाँ वो बैन हो गया। वहाँ भी मैं मतलब 1.5 साल तो वहाँ भी वीडियो बनाई। 1.5 साल में 45,000 मतलब जस्ट टिकटॉक मतलब दिमाग खराब हो जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। फेम का दिखावा किया है? फेम का दिखावा नहीं, उनके सामने एक मेरे 1,00,000 फॉलोवर है, अच्छे से बात मजाक में चलता है बट सीरियस में। आउटसाइड कॉलेज में या फिर कहीं और अटेंशन मिलती है? हाँ। 1,50,000 फॉलोवर बंदी की तो जल्दी कैसे हो गए? मतलब लोग कहते हैं कुछ भी हो लेकिन है 1,50,000 फॉलोवर काफी लोग हैं। हाँ। तो क्या कुछ अलग फील होता है? अपने आप में लगता है बट शो ऑफ नहीं करते कि मेरे 1,50,000 फॉलोवर्स हैं। नॉर्मल? हाँ नॉर्मल रहती हूँ। जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ में जैसे पहले रहती थी वैसे अभी भी रहती हूँ। कोई चेंजेस नहीं? हाँ कोई चेंजेस नहीं है। आप दोनों का रिलेशन क्या है? रिलेशन दोस्त हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? कब स्टार्ट किया? कब इन्होंने बोला था? बोला कौन था? भाई एक वो होता है ना कि पहले स्टार्टिंग में दोस्त बनते हैं। हाँ। भाई ऐसा नहीं कर रहे हम फ्रेंड्स थे, हम एग्जैक्ट याद नहीं है कि किसने बोला। नहीं तो एक ही साथ पढ़ते थे पहले ही कॉलेज में मिले? कॉलेज में नहीं, एक फ्रेंड के बर्थडे में मिले थे। हाँ। एक फ्रेंड का बर्थडे था वहाँ मिले थे, वहाँ पे मिले थे 28 साल पहले। वहीं से बातचीत स्टार्ट हो गई। हाँ तो पहले हम फ्रेंड्स थे कुछ दिनों तक, लाइक 3-4 महीने। हाँ 3-4 महीने तक फ्रेंड्स थे। फिर पहली बार बोला भाई एक फीलिंग होती है ना कि 2-4 दिन बात करने, 7 दिन बात करने के बाद एक आदत बन जाती है सामने वाले कि उससे बात नहीं कर रहे तो कुछ अलग फील हो रहा है। तो आप लोगों को कब फील होगा कि अब नहीं आइए अलग हो रहा है कुछ? इसे कहते कुछ कुछ होता है। ये 25 फरवरी को होता है ना ब्रेकअप डे होता है। किस दिन आपको फील हुआ? 25 फरवरी ब्रेकअप डे होता है। तो फिर ये अच्छी बात है ना, हमारा उस दिन रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। अच्छा नहीं पता नहीं बट 25 को आप बोले तुमने ये एग्जैक्ट याद नहीं हमें बट हम ये डेट याद करके रखे हैं कि उस दिन से हम लोग को PFGF जैसा मतलब पता होने लगे। हाँ वैसा ही बिहेव करने लगे। और इंस्टाग्राम में ऐसे फोटो डाल देते हैं कि जैसे कोई दूसरा डालता है। हाँ? कोई दूसरी लड़की होती है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। हाँ? कि लड़के के साथ फोटो डाल रही है। हाँ? उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है? जैसे घर में लोग देखते होंगे। हाँ? ऐसा तो नहीं होगा रिलेशन वाले को जुड़ा ना होगा? मम्मी पापा मान लो मम्मी पापा नहीं चलाते इंस्टाग्राम फॉर कुछ सेकंड के लिए। हाँ? दूसरे लोग चलाते हैं। हाँ? भाई बहन अड़ोस पड़ोस के वाले। हाँ, 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 और कहते भी होंगे कि आपकी बेटी किसके साथ भाग रही है। क्वेश्चन तो उठते होंगे ना? बहुत ऑब्जेक्शन उठते हैं। और आप तो डायरेक्ट डाल देती है इंटरनेट पर, बहुत लोग देखते होंगे तो अलग तो अलग भावनाएं बनाते होंगे, सोचते होंगे कि लोग कैसा कैसा डाल देते। तो इतना रुतबा कहाँ से आता है? स्टार्टिंग में बोलते थे हम लोग मतलब अचानक से नहीं ऐसे फोटोज अपलोड किए, पहले नॉर्मल फ्रेंड लिख के फिर ऐसे हार्ट वगैरह बना के फिर धीरे धीरे करके। तो अब मेरे वीडियोस इतना ज्यादा वायरल हो गए हैं, मेरे फॉलोवर्स बढ़ गए हैं तो इतना कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं उठाता कि नहीं ऐसा क्यों। जब मेरे फॉलोवर्स नहीं थे तो ऐसे रिलेशन वाले कुछ बोल दिया करते थे बट मेरे पेरेंट्स कभी नहीं बोलते तो मुझे वो चीज लगती नहीं जिसे बोल रहा है। पेरेंट्स को नहीं पता होता तो कैसे नहीं पता होता, हम सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं तो पता ही रहेगा। बताएंगे तो बगल वाले हैं। हाँ नहीं मेरी बड़ी बहन है और मेरा भाई है, मेरी मम्मा भी चलाती है इंस्टाग्राम तो वो जानती है अच्छी तरह से, हमारी सारी पोस्ट देखती है 10-10 बार। कैसे बताया अलग क्या ऐसा बोला था कि हाथ में आ गई? मैंने कुछ नहीं किया था ऐसी मतलब बात करते करते हाँ बस नॉर्मली मिले थे, उसके बाद हो गया बात किए कुछ दिन, फिर कुछ टाइम के लिए मैंने बात बंद कर दी थी, फिर हो गया अचानक फिर बात स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद हो गया। नहीं तो आपके घर वाले कहते उनको पता है? घर में पता है ना सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान की पूजा करते हो भाई?
मैं पूजा नहीं करता हूँ। अरे आप तो करते होगे, खुद तो करते होगे, ऐसा थोड़ी सबको मिल जाता है वो भी। और दूसरी चीज लॉयल प्लस साथ साथ प्लस इतना फ्रेंडली और इतना ओपन माइंडेड, उसके लिए तो मिलता है ना आपको पॉइंट्स। भाई मैं अपना बताऊं तो मेरा अलग चलता है, मेरी वाली मिलती नहीं है। और अगर उसको बुलाने को कहो कि मिलने को कहो तो वो तो उसके पास सॉर्ट ऑफ एक्सक्यूज है, मम्मा नहीं जाने देंगे, पापा नहीं जाने देंगे, मेरा सर दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा, 100। तो मतलब कैसा मजा आता है, बहुत पढ़ाई में ध्यान लगता है। नहीं नहीं लगता है, लगाना पड़ता है। तो पहले क्या करते थे, 11th 12th में क्या कर रहा था, मतलब वो जो एज होती है 10th 11th 12th वाली, उस पे कैसा रहा टाइम, उस पे मतलब कैसा रहा, दोस्त लोग थे, थे फ्रेंड्स थे, मतलब रिलेशन है, रिलेशन है नहीं, जब से रवि के साथ रिलेशनशिप में आई तो मतलब धीरे धीरे फ्रेंड्स कोई पूछता ही ऐसी बात नहीं, भाई उसी के साथ लगी रहती है, हमको टाइम ही नहीं मिलता, हम की बात है, कोई हमें भी नहीं पूछता, हम भी किसी को नहीं पूछते। फिल्में देखती, फिल्म नहीं, फिल्म पसंद है बहुत कम, इतना क्योंकि उसमें इतना सारा टाइम देना, अब तो और अच्छी बात है ना, 3 घंटे आराम से टाइम स्पेंड होता होगा और मजा आता होगा, भाई तो पूछो नहीं, मेरे पास बहुत सारे काम है। अभी कौन सा लास्ट फिल्म देखी, लास्ट अब वाली कौन सी देखी थी, भोला, कैसी लगी, ठीक थी, अच्छी थी ना, मजा आया। और कोई पुरानी मूवी फेवरेट मूवी, पहले तो काम देखना और क्या, और घर पढ़ना और टीवी देखना, और कोई काम और मालूम करना, और कौन सा देखते थे पिक्चर जो पसंद हो, फेवरेट वो, हम अपने कंप्यूटर में एक मूवी रखे थे करण अर्जुन, तो सब मैं उसको 20-25 बार देखी, करण अर्जुन की सूर्यवंशम हो गई, हां सूर्यवंशम ली दिन भर टीवी में आती थी, हां खाली बैठे हुए थे सेट मैक्स लगा हुआ था, दिन भर आती। और आपकी कोई फेवरेट मूवी, ओके मैं देख लेता हूं, फेवरेट फेवरेट नहीं है कुछ, जो भी दिक्कत मुझे ज्यादातर वैसे क्रिकेट देख सकता हूँ, दुबई बस आई पी एल चलता है जो ही देखता हूँ, फेवरेट टीम आरसीबी, ठीक है मेरा तो। और आपकी, आप देखते क्रिकेट, ना क्रिकेट नहीं पसंद है, क्या पसंद है स्पोर्ट में, क्या पसंद है स्पोर्ट में, क्या पसंद है स्पोर्ट में, बैडमिंटन वगैरह खेल लेती हूँ ऐसी घर पे भाई बहन के साथ, सनी मुझे खेलती हूँ, नहीं वो बारा नहीं खेलती, मैं देखती नहीं बस मैं खेलती हूँ, अच्छा। मतलब मुझे किसी को देखना नहीं अच्छा लगता, मुझे खेलना बस अच्छा लगता। सानिया मिर्जा और सानिया नेहवाल को क्या अंतर, सानिया मिर्जा बैडमिंटन की क्रिकेटर है, मतलब वो मैचर है, आई एम सॉरी ना मैचर है, मतलब मैच खेलती है बैडमिंटन का, सानिया मिर्जा और सानिया नेहवाल में क्या अंतर, क्या खेलती है, क्या खेलती है, सानिया मिर्जा बैडमिंटन खेलती है, और किसके अपने, सानिया नेहवाल नहीं पता है, नहीं नाम फर्स्ट टाइम सुने, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, अच्छा एक सॉन्ग सुना है सानिया मिर्जा की, हाँ वो बहुत पुरानी खिलाड़ी है, टेनिस खेलती है, और सानिया नेहवाल खेलती है बैडमिंटन, सुपर हीरो पसंद है, सुपर हीरो मूवी देखती है, सुपर हीरो नहीं, मैंने बताया ना मूवीज बहुत कम देखती, क्रिस पिक्चर नहीं देखी, हाँ देखी, सुपर हीरो ना क्रिस 3, हाँ क्रिस 3, हाँ वो देखी, बस पहली बार क्रिस नहीं, क्रिस 3 बस देखी हूँ, जिसमें वो वाला सॉन्ग है रघुपति राघव राजा, अभी तक का कैसा रहा सफर, मतलब इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम का हाँ इस टाइम पे तो आ रहा है, बट 2.5 महीने पहले जब मैं कंटेंट लिख रही थी और सोचा करती थी वीडियो बनाने के पहले, तो उस टाइम मतलब कंफ्यूजन रहता था यार, मैं कितना मेहनत करती हूँ, वीडियोस वायरल नहीं होंगे क्या होगा, कब से लगी नहीं होगी क्या, बट अपने आप में ना एक कॉन्फिडेंस था कि इस बार मेरे वीडियो तो वायरल, और ठीक है एड्स वगैरह आती है, मिलती है, हाँ मिलती है,
अभी एक ऐड किया पहले तो मैं डीएम चेक नहीं कर पाती थी, अभी 3 हफ्ते से मैं चेक कर रही हूँ, तो 3 हफ्ते में मतलब मुझे 10-12 प्रमोशन मिल गए हैं। उसके पहले मैं कभी चेक ही नहीं की, मतलब ध्यान नहीं दिया, अगर मैं चेक की होती तो पता नहीं कितने सारे मतलब वो लोग कहते हैं हाँ बोलते हैं पैड प्रमोशन, तो मैं ऐसा बोल देती हूँ अवेलेबल है। क्या रेवेन्यू मिलता है? कैसे रेवेन्यू? मैंने हाँ मिलते हैं। कितना मिलता है उसमें? मेरे को 2000 रुपए मिले थे। एक स्टोरी बस का? हाँ, स्टोरी का। तो कैसा मिलता है? ऑनलाइन पेटीएम करवा लेकिन कैसे नहीं वो मैं पता नहीं होता, वो कहाँ के हैं बस। तू पैसा डिसाइड कौन करता है? कैसे पैसा कौन डिसाइड करता है कि कितना लेंगे आप पैसे? वो मेरे से पूछते हैं कि मैम आपके स्टोरी का क्या चार्ज है, तो फिर हम बताते हैं कि हमारी स्टोरी का इतना है, क्वालिफिकेशन का इतना है। मैक्सिमम कितना देते हैं? अभी तक कितने एक्ट किए? अभी तक 7-6 साल का। अरे तो नहीं, तो सब में कितना दूध नहीं ऊपर नीचे ज्यादा मिल जाता है और कम भी ज्यादा कम मिलता है ज्यादा जब मैं क्वालिफिकेशन तो करती हूँ। निगोशिएशन भी तो होता होगा भाई, 2000 ले लेते हैं। हाँ, सब ऐसे कहते हैं, बट अगर मैं डायरेक्ट मना करती हूँ नहीं ऐसा नहीं, तो जिनको करवाना होता है तो वो फिर कहते हैं कि ठीक है मैम इतने में डन, जिनको नहीं करवाना होता तो फिर मोल भाव करते हैं। डीएम्स का अप्लाई कैसे करती हूँ? डीएम्स के बारे में लड़के होते हैं ये सब अच्छे नहीं होते। मैं डीएम्स का रिप्लाई ही नहीं देती किसी को। कोई मरा जा रहा है किसी को पानी चाहिए तो तुम नहीं? बहुत कम देती हूँ। पता है क्या होता है, कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम दीदी बहुत जरूरी काम है प्लीज रिप्लाई करिए, तो मुझे लगता है यार कुछ जरूरी काम होगा कर देती हूँ। हाँ भाई बोलो क्या कर रही है दीदी ये जरूरी काम? हाँ ये, अरे फिर मैं क्या जरूरी काम है तो क्वेश्चन मार्क करके भेजूंगी कि क्या जरूरी काम है, तो बोलेंगे कि कुछ नहीं बस पूछना था कि आप कहाँ से हैं। अरे यार धीरे-धीरे वही बात स्टार्ट करेंगे। हाँ, वो मतलब किसी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, उन्होंने यार जरूरी काम अगर है तो ठीक है, फिर मैं रिप्लाई नहीं करती, तो फिर कहते एटीट्यूड है, मैसेज सेंड करके रिप्लाई नहीं करती। अब इतनी देर तो गला ही पकड़ लेते हैं, अब इतने सारे डीएम्स आते हैं तो किसका रिप्लाई करेंगे, उसे एटीट्यूड नहीं कहना चाहिए बट लोग कह देते हैं। अगर आप चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया खाना विद अच्छे रेस्टोरेंट में और तो और अच्छा सस्ते प्राइस में, तो एक बार जरूर विजिट कीजिए होटल वृंदावन पे, जो कि इस मामले में सबसे टॉप पर है। अच्छा खाना अच्छा रेस्टोरेंट जरूर एक बार विजिट कीजिए प्लीज। एक रैपिड फायर हम खेलते हैं, भंडारे की पूरी और शादी की शाही पनीर क्या पसंद करोगे? भंडारे की पूरी या जो शादी होती है उसकी शाही पनीर क्या पसंद करोगे? भंडारे की पूरी शादी की शाही पनीर। फनी मैसेज क्या? फनी मैसेज तो मैं नहीं देख पाती बट कमेंट्स देखती हूँ, क्या तो वो चीज देख के मजा आती है। आप जब दोनों साथ फोटो डालते होंगे तब तो आराम से बहुत अच्छे डीएम आते होंगे। हाँ तो भाई की किस्मत देख नहीं, स्टार्टिंग में हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिस टाइम पे मेरे वीडियोस वायरल हो रहे थे, मतलब 50 के तक थे समथिंग, तो कमेंट्स आए थे। एक मैं इसके साथ रात में बाइक में घूम रहे थे हम लोग, तो मैंने वीडियो बना के अपलोड किया था सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे, तो कोई कमेंट किया था कि तुम बच्चे ही स्वागत रहते हैं बाप माता ने कुछ निकाह है रोड में चलते तो नहीं मिलता, इनडायरेक्टली सुनने को मिलता है, डायरेक्टली मुझसे आज तक कभी नहीं बोलता है ना, मुंह पे कोई नहीं बोलता, फिर भी बोलते हैं। ऑनलाइन बोलते होंगे? हाँ ऑनलाइन बोलते हैं, हाँ अनोन पर्सन बोलते हैं, या फिर जो लोग मतलब हम लोग से चलते हैं या कुछ भी है तो फेक आईडी बना के ऐसे
मारते होंगे कमेंट्स। हाँ, कमेंट्स करते हैं मतलब, क्योंकि पता चल जाता है फेक आईडी से, फिर जिस दिन कमेंट्स आएंगे ना तो 10-10, 20-20 ऐसे कमेंट्स आते हैं, मतलब खराब ही खराब कमेंट, तो समझ में आ जाता है कि कोई हैकर्स है फेक आईडी बना के कर रहा है, परेशान कर रहा है। हाँ लड़की के मैसेज आते हैं, लड़की के मैसेज आते हैं, मैं कभी चलाते ही नहीं, हालांकि मेरी आईडी यही चलाते हैं, मैं स्टडी चलाता हूँ बहुत कम, रिप्लाई नहीं करते, कभी तो बोलते हो अपने फोन की जरा देख लेंगे पड़ी होगी किसी का रिप्लाई आ रहा है सर जी हमें भी बना दीजिए अपनी दोस्तों से यार। इनके में जो डीएम्स आते हैं उनका भी रिप्लाई मैं नहीं करती। किसके साथ घूमना ज्यादा पसंद करोगे, फ्रेंड्स के साथ या इसके साथ? मजा किसके साथ होता है? चार चार सहेली माय बेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स। हां एक एक अलग तरफ ये किसके साथ जाना पसंद करोगे? इसी के साथ, बिकॉज मेरा बेस्ट फ्रेंड भी यही है, उसके साथ ज्यादा मजा आता है। हाँ, कंपैटिबिलिटी ज्यादा अच्छी है। हाँ, उनको जानते हो नेहा को? नेहा हाँ हाँ जानती हूँ। तो उन्हें कह रहे 100 के हुए। हाँ, तो दोनों का कैसा रिलेशन है? कैसे आपका और उनका बात होती है? हाँ कभी कभी होती है, अभी कुछ दिन पहले मैंने उन्हें कॉल किया था, ऐसे ही मतलब हम लोग कहीं घूमने जाने के प्लान कर रहे थे, एक और दीदी है, तो मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि नेहा को मिले भी चलते हैं, मतलब हम वीडियो क्रिएटर्स चलते हैं, तो मैंने नेहा को कॉल किया था। नहीं क्योंकि ऐसा होता है हमेशा, हम लोग प्लान करते हैं और फिर जिस दिन जाना होता है उस दिन नहीं होता। फेवरेट एक्टर कौन है? एक्टर वैसे इतना फेवरेट कोई नहीं है, बात अगर वीडियो देखने की हो तो सब ज्यादा मतलब हम अपने वीडियोस देखते हैं। एक्टर एक्टर फिल्म स्टार कौन सा ज्यादा पसंद है तो देख कर लगता है बस इतना खास कोई नहीं है, कैसे बताऊं? शाहरुख खान शाहरुख खान हाँ अच्छा लगता है, पसंद है शाहरुख खान, वरुण धवन भी अच्छा लगता है, सलमान खान विजय देवरकोट मेरे साथ बहुत अच्छी थी, देखे मजा आ गया था। किस पर क्या पसंद करोगे? पैसा और प्यार क्या चीज करोगी? मान लो एक तरफ और एक तरफ भी क्या चीज करोगी? मतलब अगर एक तरफ की बात हो तब तो प्यार ही चूज करूंगी, बट मेरे हिसाब से मतलब हर इंसान को दोनों चीज की जरूरत पड़ती है और मुझे भी है, प्यार पेट भी भरेगा। हाँ पैसा भी पेट भरेगा, प्यार तो ठीक है मिल जाएगा, भाई पेट तो पैसा भरेगा ना। हाँ जरूरी है, दोनों चाहिए, पैसा तो चाहिए ही लेकिन प्यार भी चाहिए। और जो नए लड़के लड़की हैं उनको क्या देना बताना चाहते हैं कि वो कैसे स्टार्ट करें अपना रिलेशनशिप प्लस वीडियोस भी कैसे स्टार्ट करें? जैसे बहुत लोग बनाते रहते हैं फिट नहीं होते। अच्छा तो मैं वीडियोस वालों को मैं बोलना चाहूँगी कि अगर किसी चीज में बनाते हैं ना, जैसे वो किस में बनाते हैं लिपसिंग में जैसे बना रहे हैं, तो लिपसिंग वाले वीडियोस वायरल होने के बहुत कम चांस होते हैं, मतलब अगर किसी चीज में हम कंटिन्यू बना रहे हैं तो उससे थोड़ा सा हट के अगर कोई चीज करेंगे ना तो लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं। इतने लोग लिपसिंग पे बनाकर फेमस हो गए, उनका क्या वो भी तो फेमस हो गए ना। हाँ लेकिन सब फेमस क्यों नहीं होते ये बताओ? सब चाहते यही कि भाई मैं डालूं और
हजार दस हजार लाख दो लाख पांच लाख होता किसी के नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि अच्छी कैमरा क्वालिटी उनकी रहती है, उन्हें इंस्टाग्राम का पूरा एल्गोरिथम पता होता है कि क्या क्या होता है, कैसे इंस्टाग्राम में स्टोरी डाले, सब कुछ पता होता है, बट फिर भी उनके फॉलोवर्स नहीं बढ़ते हैं, तो उसे मैं लक में छोड़ देती हूँ। चलो उसकी किस्मत बुरी है। कर्म का गलत नतीजा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मतलब ऑप्शन होते हैं कि चलो आप वन वाइज में बनाते हैं, चलो आप डांस में बनाते हैं, तो हमेशा अलग अलग सोचना चाहिए, एक ही चीज में नहीं रहना चाहिए। अच्छा जो नए लड़कियों वो फेमस होने के चक्कर में बहुत ज्यादा ओपन हो जाती है। हाँ। बॉडी शेम बॉडी को लेकर। हाँ। उनके लिए क्या कहोगे, क्या सही है ये चीजें? उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी हमें ठीक है, आपकी आपकी राय है। लेकिन बहुत लड़कियां क्या होती है कि ज्यादा ओपन रहती है, छोटे कपड़े जो उनकी मर्जी, मैं नहीं कहता कि ना पहने, लेकिन फिर भी एक वो होना चाहिए। सही है, उनका अपना तरीका, उनका अपना तरीका है। हाँ, सही है, गलत नहीं, सही है, गलत है, सही है सर। आपको कैसा लगता है किसमें ज्यादा सूटेबल है, नॉर्मल कपड़ा सॉरी नॉर्मल ड्रेस या फिर? मुझे नॉर्मल शॉर्ट्स वगैरह में ज्यादा नहीं पहनती, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, नॉर्मल ड्रेस पहनना ज्यादा पसंद करती हूँ। बॉडी शोइंग में तो मजा नहीं आता? नहीं, क्योंकि अपन किए भी नहीं और फिर आदत भी नहीं है। हाँ, आदत नहीं। अब कोई बाहर चले जाओ तो वहाँ तो मतलब वहाँ उनका डेली का है, मतलब अपने कल्चर में अपने समाज में ऐसा पॉसिबल बहुत नहीं है भाई। ऐसे पॉसिबल तो ये भी नहीं था कि प्यार वगैरह कितना हम लोग शो कर रहे हैं। हाँ, ये भी नहीं था, ये तो बहुत ही गलत मतलब बहुत ही अलग चीज है ना, बहुत मलिनता से देखते हैं हम प्यार, गलत भी सोचते लोग गलत भी सोचते होंगे, कब तक चलेगा इनका, ये तो सोचते होंगे, देख लेंगे कब तक चलेगा, ऐसा कहते हैं लोग भाई, जब तक है तब तक तो है, तब तक तो मजे दे भाई, फ्यूचर को लेकर क्या वो कर सकते हैं, जो होगा तो फिर देखा जाएगा, जब तक चल रहा है तो बढ़िया चलने दो भाई। अच्छा एक और क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ऑप्शन है आपके पास, सरकारी नौकरी वाला लड़का चूज करोगी या फिर बिजनेस मैन लड़का? मैं वैसे मुझे सरकारी नौकरी वाले तो सच बताऊं तो बिल्कुल नहीं पसंद है, नहीं पसंद है मुझे, क्योंकि नहीं पसंद है, मैं ऐसा कुछ सोचती हूँ कि भाई छोड़ दो, नहीं मैं उसे कभी नहीं कहती हूँ। सरकारी नौकरी के चक्कर में मत रहो, रूल दीजिए आराम से, जो करना बढ़िया करो, वो नहीं है सरकारी नौकरी के चक्कर में। तो कौन सा लगता है, बिजनेस मैन? बिजनेस मैन हो या कुछ भी ना करता हो तो भी चलेगा, मैं कर लूंगी। हाँ, दोनों अगर ये चला गया आपके इंटरनेट में तो बहुत लोग मैसेज भेज देंगे आपको, मैडम मैं कुछ नहीं करता, मेरे पर ध्यान देंगी? अगर ये बोल दी कि मुझे सरकारी नौकरी वाला चाहिए तो फिर सरकारी नौकरी वाले भी करेंगे ना, उनके पास तो पैसा है ना, जो जो तो नल्ले बेरोजगार है उनका क्या, क्या ऐसा नहीं है भाई? मैं पूछ रहा हूँ कौन सा प्रेफर करोगे आप, किसी को मान लो आप कौन सा चूज करोगे? अगर मेरे पास दो ऑप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब वाला या बिजनेसमैन, तो मैं बिजनेसमैन को चूज करूंगी, बट मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर लड़का कुछ भी ना करता हो तो भी चलेगा, क्यों मैं कर लूंगी, क्यों जैसे कोई बैठा कुछ नहीं करता, मेरा कुछ नहीं, क्या देख करता है सर, क्या देख कर शादी मुझे प्यार, चलो चार दिन की चांदी पीने देरी रात, शादी एक अलग चीज होती है, उसका कैसे उसको कैसे जस्टिफाई करोगे, उसके लिए जरूरी आपको ठीक है, आपका तो अलग है, आप चाहे कुछ करो चाहे खाना बनाने जाना चाहिए, उनके जरूरी काम करना वही तो खाना, आपको जरूरी है आपको खाना बनाना चाहिए, क्या काम आना चाहिए, जो भी आपको आता है, आता है ना, नहीं आता आता है, आता है, मान वही मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं आता, आती है बट इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती जैसा सब लड़कियों को आती है, मतलब आती है बट उतनी अच्छी नहीं आती है। हो गया, दो लोग रोटी बना लोगे ना? हाँ वो तो करनी है, बस इतना चाहिए। कोई अच्छा किस्सा सुनाओ ना, जब तक वो मदद आ रही है मजी आ गई हो, किस्सा ना, अब ये सेम मिल रहा है, कुछ फनी इंसिडेंट हुआ होगा ना, क्या हुआ है अपने लाइफ का किस्सा? हाँ लाइफ का किस्सा,
ये मुझे अपनी बहुत सारी बातें शेयर करता रहता है, तो मुझे अपनी एक अपने बचपन की स्टोरी इसने बताई थी। ये फोर्थ या फिफ्थ क्लास में था, तो हुआ ये था नहीं राज नहीं है बट मजा आएगी थोड़ा सा। तो ये फोर्थ या फिफ्थ क्लास में था, उस टाइम पे 26 जनवरी को या 15 अगस्त को कभी भी स्कूल में परफॉर्मेंस किया था, गाना गाया था। तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे गाना गाया था, उसके पहले कभी गाना नहीं गाया था, अब भी ज़्यादा गाना नहीं गाता है। तो ये स्टेज में सॉन्ग मतलब गाने के लिए गया, तो एक तो इसे बहुत ज़्यादा डर लग गई थी वहाँ पे, वो कोई सा मेरे वतन के गा रहा था। फिर ये थोड़ा सा गाया बहुत डर डर के, और बीच में लाइट चली गई, सब कबाड़ा हो गया। तो मतलब मुझे उस चीज से बहुत हंसी आ रही थी कि एक तो डर डर के गा रहा था, फर्स्ट टाइम गाया था, ऊपर से लाइट चली गई, तो मतलब सब खराब हो गया। फिर गाया दोबारा? फिर गाना नहीं गाया? फिर तब से ये गाना ही नहीं गाया स्कूल में। इस गाल जब रो मन लगा होता है, मजा आता है गाना सुनने में। हाँ सुन लेता है, घर में गा लेता है, पर स्कूल वगैरह में नहीं गाता। कभी कोई फैन मिला है? रोड चलते अभी कल ही मैं आपका बना रहा था कुछ वीडियो, एक बंदा अगर कहता है इसे मैं जानता हूँ, उनकी फोटो मैं यूज़ कर रहा था, तो इनको जानता हूँ, फोन है अच्छी बॉयफ्रेंड, फिर तुम कैसे जानते? तो ऐसे जानते, कभी ऐसा कोई फैन मोमेंट मिला है? ये तो लगभग सब जानते हैं। तो कॉलेज में सब जानते हैं, मतलब लोग तो बहुत मिलते हैं, कुछ लोग मिल के हाय हेलो बोल लेते हैं, सेल्फी भी ले लेते हैं, और कुछ लोग दूर से मतलब ऐसे पॉइंट करते हैं कि अच्छे तो गाड़ी में क्या, तो मतलब अपन समझ जाते हैं और पढ़ लेते हैं कि हमारे बारे में बात हो रही है। कभी चोरी की? चोरी मतलब कभी छोटे में बड़े में? हाँ मैं छोटी थी तो वो मेरे गांव में एक बब्बा जी हैं, वो बब्बा जी वीडियो देखेंगे मैं नहीं बताऊंगी। तो वो क्या देखेंगे, बब्बा हो गए वो? देख लेंगे तो बब्बा है वो, बड़ी हाँ, नहीं देखेंगे छोटा वो, क्योंकि वो रेडियो पर सुनते हैं, वो यूट्यूब रेडियो में टेलीकास्ट नहीं है, रेडियो में ना चला जाए, रेडियो में ना जाए, मैं बता दूंगी, रेडियो में टेलीकास्ट नहीं होगा। हाँ तो बताती ना, मैं छोटी थी, मेरी एक बुआ की लड़की आराध्या, तो हम लोग को सूरजमुखी का फूल होता है ना, मतलब बहुत बड़ा सा था, इतना बड़ा सा था, हमें मतलब बहुत मन कर रहा था उसे तोड़ने के लिए। तो वो बब्बा दोपहर में सो जाते हैं आधे घंटे के लिए, बाकी पूरा दिन बैठे रहते हैं वहीं पे, तो वो थोड़ा सा अंदर गए, तो हम लोग दोपहर में गर्मी का ऐसा टाइम था, तो छुप के गए थे ऐसे, और वो फूल को बिल्कुल तोड़ के, वो टूट ही नहीं रहा था, तो उसको तोड़ के लाए थे, और बब्बा देख लिए थे, चिल्ला दिए थे, तो हम लोग उन्हीं के नाली में फेंक के चले आए थे। उसको नहीं दोबारा नहीं डरा? फिर शाम को गए थे, तो दूसरी लड़की को भेज के बोले कि तू ले गया, क्योंकि हमको जान जाएगी कि आई थी, तो फिर मतलब फूल एक बार हमने चुराया था। आपने चोरी की? अभी नहीं चोरी की, ये स्कूल में पेन चुरा था। वाह ये तो सब हुआ, ये तो चोरी की होगी भाई, अभी ने मैंने बता था ये स्कूल में पेन चुरा था। चोरी किया मैंने? हां, और घर से कभी चुराया? नहीं, पापा जी, पापा की जेब से मिल जाता है, पैसे वैसे मैं मांगा नहीं पापा से, आज तक तो चोरी कहाँ। चल कैसे रहे हो, ये सब कहाँ से आ रहा है? मम्मी से। वैसे भी लोग मतलब पापा के पास वैसे रहते हैं, लेकिन मास्टर मम्मी से वो अलग बात है, क्योंकि उनके सामने जाने में डर लगता है। मम्मी ने दे देती है मेरी, बाकी तो हो गया अपने सैंडल को लेता हूँ। अभी झूठ बोला है? अभी झूठ बोला है? मैं हाँ झूठ हाँ बोल देती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे झूठ बोल देना चाहिए, तो वहाँ पे बोल देती हूँ। क्या सिचुएशन की बॉडी? हाँ सिचुएशन की बॉडी, झूठ बोल देती हूँ। हाँ कब मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा झूठ बोलती हूँ जिससे किसी को मतलब बहुत तकलीफ हो, लेकिन कभी कभी लगता है कि मतलब इस चीज़ को छुपा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपके सामने आएगी तो आप बुरी लगेगी, तो फिर उस चीज़ को मैं छुपा देती हूँ। जब फैमिली मेम्बर वो पहली बार पता चला क्या बना, क्या दिखा? कुछ शांत तो ना रहा होगा माहौल घर का? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर पे अलाउड है कि हम लड़कों में दोस्त बना सकते हैं। दोस्त बनाने का अलग बात,
दोस्त बनाने का अलग बात। तो मैं डायरेक्टली अभी भी घर वालों से नहीं कहती हूँ कि अभी मेरा बिया है, बट घर वाले अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा कोई रिएक्शन नहीं बना। ऐसे भाई अगर मैं जाऊँ अपने घर में बता दूँ कि मेरी मम्मी मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मेरे चार भाई चार छक्कर। मैं भी ऐसा नहीं बोलती कि मम्मी मेरे बॉयफ्रेंड है, लेकिन मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि अगर दोस्त मतलब लड़का कोई है वो अच्छी दोस्ती रखना चाहता है आपके मतलब हेल्प वगैरह, तो फिर सही है। और एक और लास्ट क्वेश्चन। ओके, सबसे वो टाइम बताओ जब सबसे खराब टाइम रहा हो। सबसे खराब टाइम मतलब उस समय लगा हो कि अब क्या होगा। मैं हमेशा चिल रहती हूं। दुखी होती होगी? बहुत कम होती, मुझे बहुत कम हार्ट होता है, बहुत कम तकलीफ होती है। आपको कैसी लगी पॉडकास्ट, और इन दोनों को फॉलो कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, फॉलो कर लेना जाकर। और तब तक देखते हैं।